प्रेक्षागृह में फरोगे उर्दू सेमिनार, मुशायरा एवं कार्यशाला का डीएम ने किया उद्घाटन। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग उर्दू निदेशालय बिहार पटना के निर्देशन में जिला उर्दू भाषा कोषांग समाहरणालय के द्वारा गुरुवार को प्रेक्षागृह में फरोगे उर्दू सेमिनार, मुशायरा एवं कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन जिला पदाधिकारी वैभव चौधरी द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम में आलेख पाठकों एवं डेलीगेट्स ने उर्दू भाषा के विकास और फरोग के संबंध में अपने अपने विचार प्रकट किए। इस प्रोग्राम में जिला पदाधिकारी के द्वारा भाषण प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र दिया गया। साथ ही जिला उर्दू भाषा कोषांग द्वारा प्रकाशित जिला उर्दू नामा का विमोचन भी किया गया। जिला पदाधिकारी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में उर्दू जुबान के फरोग के लिए हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। उपस्थित उर्दू प्रेमियों से उर्दू के प्रचार प्रसार में सहयोग करने का आह्वान किया। सर्वप्रथम उर्दू भाषा कोषांग के प्रभारी पदाधिकारी अजमल खुर्शीद ने सभी पदाधिकारियों और अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम में मौजूद अपर समाहर्ता, स्थापना उप समाहर्ता, वरीय कोषागार पदाधिकारी डॉ. अबुल कलाम, डॉ. अरुण कुमार जायसवाल, प्रोफेसर मोहम्मद ताहिर, अंजुम हुसैन, मुहीउछैन नारायण ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किए। इस भव्य कार्यक्रम में उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता आपदा, अनुमंडल पदाधिकारी, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, जिला भू अर्जन पदाधिकारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, नजारत उप समाहर्ता आदि उपस्थित हुए। कार्यक्रम के दूसरे भाग में मुशायरा एवं कार्यशाला का आयोजन किया गया। मुशायरे में अनवर कमाल, कैसर अली राणा, परवेज कौसर, प्रतिभा यादव, उजाला नाज, जफर इमाम एवं अन्य स्थानीय कवियों ने अपने अपने नजमों, गजलों और शायरी से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इसके अतिरिक्त कार्यशाला में उर्दू कर्मियों के दक्षता विकास पर प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम के पहले भाग का संचालन शाहनवाज बद्र कासमी जबकि मुशायरा का संचालन असलम परवाना शायर द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जिला उर्दू भाषा कोषांग के प्रभारी पदाधिकारी मोहम्मद अजमल खुर्शीद, अनुवाद पदाधिकारी मोहम्मद फारूक आलम, उर्दू अनुवादक मोहम्मद तजम्मुल हक, मोहम्मद आफ्ताब आलम, मोहम्मद साकिब अहमद सहायक, उर्दू अनुवादक मुर्तजा हुसैन और निम्नवर्गीय लिपिक असलम अंसारी ने अहम भूमिका निभाई। अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया। आप लोग देख सकते हैं कि राज्य सरकार की नजर में भी और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश में भी कितना इसको एक इम्पोर्टेंस दिया गया है, प्रायोरिटी दी गई है, तो ये काफी खुशी की बात है। और हम लोग क्योंकि जब मसूरी में हम लोगों की ट्रेनिंग होती है आईएएस की, तो उसमें उर्दू भाषा भी एक भाषा रहती है जो हमारे जो भी बैचमेट्स है उन लोगों को देना होता है, यानी जो जिस राज्य का अगर है तो उससे अलग एक भाषा सीखनी होती है, तो वहाँ पर भी इसमें हमारे बैचमेट्स के द्वारा उर्दू और लोगों के द्वारा भी मिली गई थी, परंतु दुर्भाग्यवश मुझे नहीं मौका मिला क्योंकि उसमें सीट भर गई थी, कम ही 30 या 20 बच्चों का ही शायद उसमें रहता था, अन्यथा मुझे भी इसका एक फॉर्मल एक उर्दू का मैं पढ़ाई कर लेता वहाँ पर, तो उस समय मेरे से मौका छूट गया, परंतु आज इतना अच्छा आयोजन आपके द्वारा किया जा रहा है। और पूर्व में भी जब से मैं सेवा में रहा हूँ, भले अनुमंडल पदाधिकारी रहा हूँ, उप विकास आयुक्त रहा हूँ, तो अपने जिलों में भी उर्दू के भी महफिल को, इस मुशायरे के कार्यक्रम को और पारीगी उर्दू जो सेमिनार है उसको आयोजन हम लोग करवाते रहे हैं, और काफी अच्छा इससे एक मैसेज भी जाता है समाज में, और हमारे जो नए शायर लोग हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है, क्योंकि जो बड़े स्तर के लोग जी। आज मंत्रिमंडल सचिवालय बिहार सरकार के निर्देश के आलोक में सहरसा जिले में उर्दू सेमिनार सह मुशायरा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें विभिन्न जिलों से और सहरसा जिले के भी कई प्रबुद्ध शायरगण व विद्वानगण आए हुए हैं, साथ ही बड़ी संख्या में लोगों के द्वारा पार्टिसिपेट भी किया जा रहा है। इसमें लोगों का मनोरंजन के साथ साथ ज्ञानवर्धक बातें भी बताई जाएंगी, और लोगों का इसके अंदर विभिन्न शायरों के माध्यम से एक अच्छा कार्यक्रम भी होगा, और उर्दू भाषा को प्रमोट करने का इसका उद्देश्य है, और राज्य सरकार पूर्ण रूप से इसको उर्दू भाषा को प्रमोट करने के लिए और इसको और आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है, और जिला स्तर पर भी इसके लिए कार्य किया जा रहा है, चाहे हमारे ऑफिसर्स की नेम प्लेट को भी उर्दू भाषा में लिखने का निर्देश हो, या उर्दू नामा नामक एक पत्रिका है इसको भी जिला उर्दू कोषांग के द्वारा प्रिंट कराया गया है और आज उसका भी विमोचन किया गया है, और जो उर्दू से रिलेटेड अच्छे बच्चे उन सबको भी आज सम्मानित किया गया है।